इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और सोमवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 6:56 तक रहेगी। आज रात 10:15 तक वरियान योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 9:50 तक आश्लेखा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा। आज श्रावण महीने का तीसरा सोमवार है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:32 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:50 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 अगस्त की सुबह 7 बजे से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:47 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:50 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त है। सुबह 8:43 से 9:50 तक किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 अगस्त की सुबह 10:52 से दोपहर 1:11 तक रहेगा। सीजीरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:43 से 9:50 तक। और जॉब ज्वाइन करने के लिए अच्छा मुहूर्त अब आज नहीं, 11 अगस्त की सुबह 10:52 से शाम 4:54 तक। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए भी अच्छा मुहूर्त अब आज नहीं, 12 अगस्त की दोपहर बाद 3:25 से शाम 7:12 तक। और एक बार फिर रात 8:40 से 1:35 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 11 बजे अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इसे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, वृश्चिक और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 7:27 से 9:07 तक। मुंबई सुबह 7:55 से 9:31 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:26 से 9:06 तक। लखनऊ सुबह 7:14 से 8:53 तक। भोपाल सुबह 7:32 से 9:10 तक। कोलकाता सुबह 6:49 से 8:27 तक। अहमदाबाद सुबह 7:51 से 9:29 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:30 से 9:05 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो वो शुभ दिशा है उत्तर और पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास रहेगा। आज परेशानियों से निपटने के लिए नए सिरे से शुरुआत करेंगे। आज कार्यों में परिवार वालों का पूरा सहयोग मिलेगा। दोस्तों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने से आपकी परेशानियों का हल निकलेगा। आज आप नया वाहन खरीदने का प्लान बनाएंगे। आज आप अपने परिवार की जरूरतों के लिए कुछ सामान खरीदेंगे। किसी मामले में आज आप अपने से बड़ों की सलाह जरूर ले लें। इस राशि के जो लोग नौकरी करते हैं वो जॉब चेंज करने के बारे में विचार करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5।
वृष राशि वालों, आज आपका दिन यात्रा में बीतेगा। आज आपको ऑफिस के किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ेगा, साथ में कोई सहयोगी भी जा सकता है। आज अचानक मार्केट में किसी रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है। आज पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस राशि के डॉक्टर्स के लिए आज का दिन फायदेमंद है। आज आपको किसी सोशल वर्क के लिए बुलाया जाएगा। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरने का मन बनाएंगे। लवमेट्स आज एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। आज आप सामाजिक कार्यों के लिए लोगों से मुलाकात करेंगे। ऑफिस में प्रतियोगिता जैसी स्थिति बन सकती है। आज आप अपनी बातों से सबको प्रभावित करने में सफल होंगे। आज कुछ नए लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। इस राशि के जो लोग साहित्य से जुड़े हैं उनकी रचना की किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा तारीफ की जाएगी। आज कोई रिश्तेदार आपसे आर्थिक सहयोग मांगेगा। दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। आज आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो लोग बिजनेस करते हैं आज उन्हें धन लाभ के कई मौके मिलेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति आपके काम में अड़चन डालने की कोशिश भी करेगा। किसी से भी पैसों के लेन देन के लिए आपको खुद ही बात करनी चाहिए। आज पारिवारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। बच्चे आज आपके कार्यों में सहयोग करेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आप अपने करियर को बेहतर बनाने की योजना बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आप करियर के मामले में कुछ खास बदलाव करेंगे। ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। बच्चों की पढ़ाई को लेकर आज आप थोड़े चिंतित रहेंगे। आज दोस्तों के साथ कुछ खाने का प्लान बनाएंगे। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो लोगों से तालमेल बनाकर रखने की जरूरत है। खान पान को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही करने से आज आपको बचना चाहिए। घर के बड़ों की राय मानना आपके हित में होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपकी किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी। आज तय समय में ही आपके सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। आज आप जो भी करना चाहेंगे उसमें लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करने की योजना बनाएंगे। आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। आज आपकी ईमानदारी से बॉस प्रभावित होंगे, साथ ही कुछ और जिम्मेदारियां भी सौंपेंगे। जीवन साथी से आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा। रिश्ते और मजबूत होंगे। आज आप अपने कार्यों को नए तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैग्नेट और लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपकी बनाई हुई योजनाएं काफी हद तक कामयाब होंगी। आज आपको ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए जो आपसे कोई काम निकलवाना चाहते हैं। आज आप ऑफिस में अपने काम से काम रखिए। आज किसी से अपनी पर्सनल बात शेयर करने से आपको बचना चाहिए। आज आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, इसका फायदा भी आपको मिलेगा। आज कार्यों में बड़े भाई से पूरा सहयोग मिलेगा। लवमेट किसी अच्छी जगह पर घूमने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। आने वाले दिनों में कुछ बड़ा करने की योजना बनाएंगे। परिवार के साथ मिलकर सारी चीज़ें अच्छे से फाइनल करेंगे, साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। आज किसी काम को करने से पहले उसकी योजना बना लेना अच्छा रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। साइंस के स्टूडेंट्स किसी एग्जीबिशन के लिए तैयारी कर सकते हैं। आपकी तैयारियां सफल रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। इस राशि के लोग बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में किसी अनुभवी से सलाह ले सकते हैं। आज आपको किसी काम से बाहर जाना पड़ेगा। आज आपके बहुत दिनों से फंसे हुए किसी कार्य में पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेंगे। जीवन साथी आपकी हर तरह से मदद करेंगे जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। आज घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखें। आज आप किसी से अपने दिल की बात कहेंगे। आज दोस्तों के साथ दोस्ती और मजबूत होगी। आज आपको किसी प्रॉपर्टी से मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत काफी अच्छी रहेगी। सभी कार्य समय से पूरे होते जाएंगे। आज आप ऑफिस के किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार में पड़े रहेंगे। बेहतर होगा आप किसी अपने सीनियर से सलाह ले लें।
आज आपके जीवन साथी पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने में सफल होंगे। आज घर के बड़ों के साथ आपको तालमेल बैठाने में थोड़ी परेशानी आएगी। स्कूल टीचर्स आज आपके काम से खुश रहेंगे। सेहत के लिहाज से आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई नया प्लान बनाना शुरू करेंगे। आगे चलकर इस प्लान का काफ़ी फायदा भी होगा। आर्थिक रूप से आज का दिन आपके फेवर में रहेगा। आज आपको किसी काम के लिए एडवांस पेमेंट मिलेगी। फाइन आर्ट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। इस राशि के पेंटिंग बनाने वाले लोगों की पेंटिंग की तारीफ होगी, साथ ही किसी क्लाइंट से अच्छा मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। मीन राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। आज आपको किसी खास दोस्त से मदद भी मिलेगी। आपके विरोधी आपसे दूरियां बनाकर रखेंगे। आज आपके व्यवहार से आपके परिवार के लोग बहुत खुश होंगे। आज आपको अपने बच्चों की जरूरतों का ख्याल रखना है। आपके कारोबार से जुड़े किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। आज आप किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। लवमेट्स आज एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज अनाज दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बहन का आशीर्वाद लें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वाले छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है। आपके पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होंगी। मूलांक 2, आप नतीजों की चिंता किए बिना मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी। मूलांक 3, आपको कोई ऐसी बात सुनने को मिलेगी जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। मूलांक 4, छात्रों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई शुभ समाचार मिलेगा। मूलांक 5, आपको आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं, साथ ही आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता भी रहेगी। मूलांक 6, परिवार में सुखद वातावरण रहेगा, दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 7, आपकी उलझने कम होंगी जिससे आपका मन शांत बना रहेगा। मूलांक 8, आनंद की प्राप्ति के लिए आपको अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। मूलांक 9, पारिवारिक परेशानियां आज खुद बखुद आपसे दूर हो जाएंगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में 7 घोड़ों वाली तस्वीर के बारे में। घर में लगी घोड़ों की तस्वीर अगर 1 की जगह 7 घोड़ों वाली हो तो और भी अच्छा होता है। शास्त्रों में 7 के अंक को शुभता का प्रतीक माना जाता है। 7 अंक सार्वभौमिक है, प्राकृतिक है। सूर्य देव के रथ के 7 घोड़े होते हैं जो हमेशा गतिशील प्रतीत होते हैं। इंद्रधनुष के रंग 7 होते हैं। आकाश में सप्तऋषि होते हैं। शादी में 7 फेरे सप्तपदी। देखो, शादी में 7 फेरे की बात बता दूं कि वहां भी 7 जन्मों की बात होती है। शादी में 7 फेरे फिल्मों में दिखाए जाने लगे हैं। फेरे 4 ही होते हैं, बाकी सप्तपदी होती है। तो 7 का नंबर बड़ा लकी होता है। इट्स सपोज टू बी लकी फॉर ऑल। जो हाउजी में लकी फॉर ऑल नंबर 7, वहां भी यही माना जाता है। समुद्र के किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर घर में लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है और इससे आपके काम की गति भी बढ़ती है। घर के साथ साथ इस तस्वीर को आप अपने ऑफिस में भी लगा सकते हैं। यह आपके बिजनेस की तरक्की के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। वास्तु शास्त्र में ये थी चर्चा घर या ऑफिस में घोड़े की तस्वीर लगाने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर अपने घर का वास्तु जरूर ठीक करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और सोमवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 6:56 तक रहेगी। आज रात 10:15 तक वरियान योग रहेगा। वरियान योग सदा मंगलदायक कार्यों में सफलता प्रदान करता है। साथ ही आज सुबह 9:50 तक आश्लेखा नक्षत्र भी रहेगा। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्रों में 10वां स्थान मघा नक्षत्र का है। मघा नक्षत्र का अर्थ है बलवान या महान। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और मघा नक्षत्र की राशि सिंह है। इसके अलावा मघा नक्षत्र का संबंध बरगद के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को मघा नक्षत्र के दौरान आज बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसे नमस्कार करना चाहिए। ये थी चर्चा वरियान योग और मघा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज श्रावण के 3रे सोमवार की।
आज श्रावण महीने का तीसरा सोमवार है। आपको याद होगा कि श्रावण मास के पहले सोमवार को हमने पार्थिव लिंग पूजन करने के बारे में चर्चा की थी, लेकिन अगर आपने उस दिन पार्थिव पूजन न किया हो तो आप आज भी कर सकते हैं। बता दूं कि आप श्रावण के किसी भी सोमवार के दिन पार्थिव पूजन कर सकते हैं, वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, सावन के पूरे महीने कर सकते हैं, वैसे साल के 365 दिन कर सकते हैं, उससे बेहतर है सावन के किसी भी दिन करना और उससे बेहतर है सावन के सोमवार को करना। अगर आपको पूजा विधि याद नहीं है तो आज एक बार फिर से आपको संक्षेप में पार्थिव पूजा की पूरी विधि ध्यान दिला देता हूँ, बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ, ध्यान से सुनिए। पार्थिव पूजा के लिए सबसे पहले किसी साफ स्थान से बालू और मिट्टी लेकर उसे छानकर पानी से सान लें, चाहे उसमें थोड़ा घी मिला लें। अब इस मिट्टी का पिंड बनाकर उसके ऊपर 16 बार बम शब्द का उच्चारण करें। फिर उस मिट्टी से सबसे पहले छोटे से गणेश जी बनाएं और गणेश जी बनाते समय ये मंत्र पढ़ें, ओम ह्रीं गं ग्लौं गणपतये ग्लौं गं ह्रीं, ओम ह्रीं गं ग्लौं गणपतये ग्लौं गं ह्रीं। मंत्र जाप के बाद गणेश जी को पीठ पर स्थापित कर, पीठ मतलब आसन पर स्थापित करके उनकी पूजा करें। फिर सानी हुई मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग बनाने के लिए बहेड़े के फल के समान मिट्टी उठाइए और मिट्टी उठाते समय मंत्र पढ़िए, ओम नमो हराय, ओम नमो हराय। आपको अपने अंगूठे से बड़ा और अपने बित्ते से छोटा शिवलिंग बनाना है। अंगूठे से बड़ा और ये जो बित्ता है वितस्ति, इससे बड़ा, इससे छोटा और अंगूठे से बड़ा, इतना बड़ा शिवलिंग बनाना है। मंत्र का जाप करना है शिवलिंग बनाते समय, ओम नमो महेश्वराय। और शिवलिंग बनाने के बाद उसे आसन पर पीठ पर स्थापित करके उसकी पूजा करें और शिवलिंग को पूजा पीठ पर रखते हुए मंत्र पढ़िए, ओम नमः शूलपाणि, ओम नमः शूलपाणि। उसके बाद बची हुई मिट्टी से कुमार कार्तिकेय की मूर्ति बनाए और मूर्ति बनाते समय ये मंत्र पढ़ें, ओम ऐं हों क्षों क्लीं कुमाराय नमः, ओम ऐं हों क्षों क्लीं कुमाराय नमः। इस प्रकार श्री गणेश, शिवलिंग और कुमार कार्तिकेय की मूर्ति बनाकर उसमें भगवान का आवाहन करना चाहिए और कहना चाहिए, ओम नमः पिनाकिने इहा गच्छ इहि तिष्ठ, ओम नमः पिनाकिने इहा गच्छ इहि तिष्ठ, ओम नमः पिनाकिने इहा गच्छ एतिष्ठ। और फिर भगवान के पैराद का मानसिक पूजन करना चाहिए, भगवान को स्नान कराना चाहिए और फिर स्नान कराते समय कहना चाहिए, ओम नमः पशुपतये, ओम नमः पशुपतये। इस मंत्र से स्नान के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र से गंध पुष्प धूप, ओम नमः शिवाय गंधम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय पुष्पम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय धूपम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय दीपम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय नैवेद्यम समर्पयामि। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। जाप के बाद भगवान को पुष्पांजलि चढ़ाइए, पुष्पांजलि मया तत्वा ग्रहण परमेश्वर, और भगवान से उनके स्थान पर जाने का निवेदन करिए। इस प्रकार पूजा के बाद सभी मूर्तियों को आदरपूर्वक जल में विसर्जित कर देना चाहिए। सामान्य व्यक्ति के लिए इतना पूजन काफी है, लेकिन अपने विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ सुधीजन इससे एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं तो इससे एक कदम की पूजा के बारे में भी ध्यान से सुनिए। सामान्य पूजा के बाद की जाने वाली पूजा आवरण पूजा कहलाती है। आवरण पूजा में विग्रह की पूर्व दिशा में पूजा करके मंत्र पढ़ना चाहिए, पूर्वे ओम शर्वाय क्षितिमूर्तये नमः। फिर नॉर्थ ईस्ट में, ईशान उत्तर पूर्व के कोने में, ईशान दिशा में पूजा करके कहना चाहिए, ऐशानये ओम भवाय जलमूर्तये नमः, ऐशानये ओम भवाय जलमूर्तये नमः। अब उत्तर दिशा में आइए, उत्तर दिशा में पूजा करनी है, ओम रुद्राय तेजो मूर्तये नमः, ओम रुद्राय तेजो मूर्तये नमः। इस प्रकार नॉर्थ वेस्ट में आइए, उत्तर पश्चिम में, वायव्ये ओम उग्राय वायु मूर्तये नमः, वायव्ये ओम उग्राय वायु मूर्तये नमः। अब पश्चिम में आइए, पश्चिम दिशा में, ओ पश्चिमे ओम भीमाकाश मूर्तये नमः,
पश्चिमे ओम भीमाकाश मूर्तये नमः, फिर साउथ वेस्ट में जाइए दक्षिण पश्चिम में नैऋत्ये ओम पशुपतये यजमान मूर्तये नमः, नैऋत्ये ओम पशुपतये यजमान मूर्तये नमः, फिर दक्षिण दिशा की पूजा करके कहिए दक्षिणे ओम महादेवाय चंद्रमूर्तये नमः, दक्षिणे ओम महादेवाय चंद्रमूर्तये नमः, और आखिर में दक्षिण पूर्व दिशा में पूजा करिए साउथ ईस्ट में और कहिए आग्नेयै ओम ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः, आग्नेयै ओम ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः। इस प्रकार उस विग्रह की, भगवान शंकर की जो मूर्तियां आपने बनाई हैं, भगवान शंकर की, गणेश जी और कुमार कार्तिकेय की, आठों दिशाओं में देवाधिदेव महादेव की पूजा करके फिर इंद्र आदि 10 दिक्पालों और उनके वज्र आदि आयुधों की भी पूजा करनी चाहिए। इंद्र का आयुध वज्र है, और फिर 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए और साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए। अब देखिए, पहले हमने आपसे बताया कि आप ये पूजा कर लीजिए और मंत्र जाप कर लिए फिर विसर्जन कर दीजिए, लेकिन अगर आपको आगे चलना है तो विसर्जन काहे करेंगे, जब ये भी आवरण पूजा कर चुके तब ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और फिर ओम नमो महादेवाय मंत्र से विसर्जन करिए। इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय के मंत्रों का भी जाप करके सभी उपचारों से पूजा करके तब उनका विसर्जन करिए। तो ये तो हुई पार्थिव पूजा की चर्चा। पूजा के बाद 10 द्रव्यों से दशांश होम भी करना चाहिए। वो 10 द्रव्य कौन से हैं ये भी बता देता हूं। बेल का फल, तिल, खीर, घी, दूध, दही, दूर्वा दूब घास, वट की समिधा बरगद की लकड़ी, पलाश की समिधा पलाश की लकड़ी, खैर यानी कत्थे के पेड़ की समिधा यानी लकड़ी, ये 10 द्रव्य हैं। आप इनमें से किसी भी एक द्रव्य से होम कर सकते हैं और 10ों द्रव्य मिल जाए तो कहने क्या है। तो ये थी सारी चर्चा पार्थिव पूजा के बारे में, और अब चर्चा आज किए जाने वाली खास उपायों की। तो आज बहुत से उपायों की चर्चा न करके सिर्फ एक उपाय की चर्चा करते हैं, और उस मंत्र की जो भृगु जी के पुत्र, भृगु जी महाराज ने अपने पुत्र शुक्राचार्य को दिया था। ऐसा कहा जाता है कि भृगु जी ने जब लक्ष्मी जी को नाराज कर दिया, उन्होंने श्री विष्णु के पैर में लात मार दी, लक्ष्मी जी नाराज हो गई, स्वाभाविक था। तो शुक्राचार्य को बड़ा भटकना पड़ा उनके पुत्र को, अफ्रीका गए, वहाँ से इधर उधर बहुत जगह शिवलिंग, उषणा काव्यस्य लिंगम, उषणा लिंगम खो गया, काव्य काव काव। तो अब ये सब जो तमाम शिवलिंग हैं, इन लिंगों में इतना अच्छा दैत्यानाम परमम गुरु, ये दैत्यों के बड़े भारी गुरु थे शुक्राचार्य, क्या हेमकुंद मृणालाभा, हेमकुंद मृणालाभम, हेमकुंद के समान मृणालाभा आभा वाली, सर्वशास्त्र प्रवक्तारम, सभी शास्त्रों को बताने वाले। तो शुक्राचार्य की ऐसी आभा थी, सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। किस मंत्र के प्रभाव से उनके पिता भृगु जी ने उन्हें कौन सा ऐसा मंत्र दिया था जिससे उन्होंने जने कहां पूरी आधी ज्यादा दुनिया घूम गए और जो शिवलिंग स्थापित कर दिया, आज भी उसके बड़े बड़े लोग जाके उसके पीछे सरेंडर हो रहे हैं। तो क्या वजह है, वो शिवलिंग क्यों सलामत है, वो मंत्र मैं आपको बताता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं आं शं शंकराय मम सकल जन्मांतरार्जित पाप विध्वंसनाय श्रीमते आयु प्रदाय धनदाय पुत्र दारादि सौख्य प्रदाय महेश्वराय ते नमः। कष्टम घोर भयं वारे वारे पूर्णायुः वितर वितर मध्ये माखंडितं कुरु कुरु सर्वान् कामान् पूरे पूरे शं आं क्लीं ह्रीं ऐं ओम। ये वो फोर्सफुल मंत्र है जो आप भी करिए, आप भी इसकी शक्ति प्राप्त करिए, नहीं तो आप इसी को टेप कर लिए, यही बजाइए अपने घर पर रोज। बस इसमें एक खास बात यह है कि सम संख्याम सावित्रीम जपेत, ये जो नियम है कि जितना ये मंत्र जपो उतना ही रुद्र गायत्री भी, ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात, ये जरूर पढ़ना चाहिए। जब ये पढ़ेंगे तभी ये मंत्र बिल्कुल बढ़िया से काम करेगा। इस मंत्र को कीजिए और इसको सदैव कीजिए,
इस मंत्र को पढ़ने से बड़ा बल क्रिएट होता है। मृत संजीवनी विद्या केवल शुक्राचार्य के पास थी जी। तो ये थी सारी चर्चा श्रावण के तीसरे सोमवार के बारे में। उम्मीद है कि आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आप नए विचारों में डूबे रहेंगे और अपने काम को बेहतर ढंग से करेंगे। B, अपने काम को करने के तरीकों में बदलाव लाएंगे जिससे आपके काम बेहतरीन तरीके से पूरे होंगे। C, कार्यक्षेत्र में आ रही रुकावटें खत्म होंगी और आपको आगे बढ़ने का रास्ता नजर आएगा। D, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, जल्द ही सफलता आपके कदम चूमेगी। E, घर वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। F, उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है, घर की जरूरतें पूरी होंगी। G, दफ्तर में दिन बेहतरीन रहेगा, पेंडिंग में पड़ा हुआ वर्क आज पूरा होगा। H, पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वास होगा, सबके बीच तालमेल बना रहेगा। I, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले अपने घर के बड़ों की राय जरूर लीजिए। J, घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु लेना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। K, व्यापार में वृद्धि के रास्ते खुलेंगे जिससे आपको अचानक धन लाभ होगा। L, आपके लिए आज का दिन शानदार रहेगा, आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। M, आपकी सारी टेंशन दूर होगी, साथ ही स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। N, आप विवादों से बचे रहेंगे, अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें। O, आज आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आप बेहद खुश होंगे। P, आर्थिक स्थिति पहले से ठीक रहेगी और जल्द ही खुशियां आपके घर दस्तक देंगी। Q, धर्म के प्रति आपकी आस्था बनी रहेगी, कोई धार्मिक बुक पढ़ने में मन लगेगा। R, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, पैसों के मामले में समझदारी से फैसले लीजिए। S, आज का दिन फायदेमंद रहेगा, आपकी इनकम में वृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे। T, आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी और साथ ही आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे। U, विज्ञापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों का दिन अच्छा है, आपको कोई अच्छी न्यूज मिलेगी। V, किसी करीबी से फोन पर बात हो सकती है, एक दूसरे का हालचाल जानकर खुश होंगे। W, आज काम में संतुलन बनाकर रखेंगे तो आपके काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। X, आपके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, आपकी वेतन वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। Y, अपने रूटीन में बदलाव कर सकते हैं, ये बदलाव आपके लिए सही साबित होंगे। Z, आपका पॉजिटिव व्यवहार लोगों को प्रभावित कर देगा जिससे लोग आपसे खुश रहेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज सावन महीने का तीसरा सोमवार है। इस सोमवार आपको हम ले चल रहे हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पवित्र दर्शन। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैनी नगरी में, जिसे अब उज्जैन कहते हैं, इस नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर दिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि बाबा महाकाल ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। तो आप भी कीजिए पवित्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 9 अगस्त को श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 6:56 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 6:05 तक रहेगी। द्वितीय तिथि में छोटे बैगन अथवा कटहरी का सेवन निषिद्ध है। अतः आज शाम 6:56 तक आपको कद्दू यानी सीताफल का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल शाम 6:05 तक आपको छोटे बैगन अथवा कटहरी का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत
रिंग 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 फट फट ठा ठा एहे एहे रुद्र आज्ञा पयति स्वः। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज कलावा हाथ पर बांधे सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।